क्या है हसन, तुम्हें मेरिट का कोई एहसास है भी? अब क्या करोगे तुम? खुदकुशी। नॉनसेंस, जस्ट स्टॉप इट। बहुत जबान चलने लग गई है तुम्हारी। क्या हो गया, रिपीट कर लेगा? प्लीज रिलैक्स यार। कैसे रिलैक्स करूं मैं? रिपीट कर लेगा? तुम्हें पता है वो ऑलरेडी 2 साल पीछे है क्योंकि उसका लेट एडमिशन हुआ था। हाँ तो मैंने कहा था कि 2 साल के बच्चे को छोड़ के दादी के पास खुद बाहर पढ़ने चली जाएं आप। ये क्या तरीका है मामा से बात करने का? तुम बीच में वकालत नहीं करो, बहुत अच्छी तरह समझता हूँ मैं तुम्हें। अच्छा ठीक ठीक है, मैं मानती हूँ कि मैं तुम्हें 2 साल के लिए छोड़कर गई थी, माय फॉल्ट। लेकिन इस वक्त जो तुम कर रहे हो ना हसन, तुम जानबूझ के कर रहे हो। हाँ मैं जानबूझ के कर रहा हूँ, लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ, और भी बच्चों की लाइन लगी हुई है और उनकी मेरिट मुझसे भी कम है। ओ वाओ हसन, तुम्हें वो बच्चे नजर आ रहे हैं जिनकी मेरिट कम है, लेकिन जो टॉपर्स तुम्हारे सामने खड़े हैं तुम्हें वो नजर नहीं आ रहे। तुम्हारा बाप, तुम्हारी माँ, तुम्हारा भाई, रियली हसन, शेम ऑन यू। एक ही बच्चा पैदा करना था ना फिर, अपने जैसा, अपने शौहर जैसा, आदि शरियार जैसा, मेरे लिए क्यों रिस्क लिया आपने? आप रिलैक्स करें यार। I don't believe this. Please, तबीयत खराब हो जाएगी यार। Come on, please मेरे साथ आएं। Come please. बैठे। Doing with the future. हसन, हसन कहाँ जा रहे हो? Listen to me. आदि हट जाओ, पीछे नहीं आओ। क्या हो गया, पागल हो गया? हाँ मैं पागल हो गया यार, कोई वैल्यू नहीं है मेरी इस घर में, सुकून नहीं लेने देता कोई मुझे, पीछे नहीं आना मेरे। बात सुनो मेरी, क्यों घर में इतनी टेंशन फैला रहे हो? देखा नहीं मामा कितनी अपसेट है तुम्हारे लिए? मेरे लिए अपसेट है? इसलिए तो घर से जा रहा हूँ ताकि मेरी शक्ल ना देखनी पड़े। तुम्हें देख के खुश होती है तो तुम रहो। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा क्या? अगर मामा ने कुछ कह दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि इतना रिएक्ट करो तुम। अरे प्यार करती है वो तुमसे, कंसर्न है तुम्हारे लिए, तुम्हारे फ्यूचर को लेके, और तुम हो ये MBBS, माय फॉल्ट। नहीं करना ना MBBS, तुम मत करो, लेकिन पढ़ना तो हर शोबे के लिए पड़ेगा। और मेरी एक बात हमेशा याद रखना सर, कम हिम्मती में हमेशा शिकस्त होगी तुम्हारी। You understand? I do understand.